नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य के अजमेर जंक्शन से चंडीगढ़ जंक्शन तक चलने वाले अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन की कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 14 फरवरी 2009 में हुआ था। यह ट्रेन राजस्थान राज्य के अजमेर जंक्शन से चंडीगढ़ जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12983। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है चंडीगढ़ से अजमेर, जिसका नंबर है 12984। इस ट्रेन को अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन अजमेर से चंडीगढ़ तक तकरीबन 718 किलोमीटर अंतर 12 घंटे और 45 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को गरीब रथ ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से सप्ताह में रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को चंडीगढ़ जंक्शन के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को अजमेर से चंडीगढ़ तक ले जाने के लिए गाजियाबाद लोकोशेड का WIP-5 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 16 कोच लगते हैं, जिनमें थर्ड टायर AC के 14 और GD के 2 कोच शामिल रहते हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें अजमेर से चंडीगढ़ तक का AC थर्ड टायर का किराया रहता है ₹730, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST शामिल है। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन दो राज्यों को जोड़ती है, जिनमें राजस्थान और हरियाणा राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 16 स्टेशनों पे रुकती है और 111 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी राजस्थान राज्य के अजमेर जंक्शन से शाम को 5:55 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है किशनगढ़। किशनगढ़ स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 6:21 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:23 पे रवाना हो जाती है फुलेरा जंक्शन के लिए। फुलेरा जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:06 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:08 पे रवाना हो जाती है जयपुर जंक्शन के लिए। जयपुर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:55 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 8:05 पे रवाना हो जाती है गेटौर जगतपुरा स्टेशन के लिए। गेटौर जगतपुरा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:29 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:31 पे रवाना हो जाती है दौसा स्टेशन के लिए। दौसा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:07 पे रवाना हो जाती है अलवर जंक्शन के लिए। अलवर जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 10:24 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:26 पे रवाना हो जाती है रेवाड़ी जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलवर जंक्शन जो है राजस्थान राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है हरियाणा राज्य में ट्रैवल करेगी। हरियाणा राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 11:58 पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 12:01 पे रवाना हो जाती है भिवानी जंक्शन के लिए। भिवानी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 1:20 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 1:25 पे रवाना हो जाती है रोहतक जंक्शन के लिए। रोहतक जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 2:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:27 पे रवाना हो जाती है गोहाना जंक्शन के लिए। गोहाना जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:01 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:03 पे रवाना हो जाती है पानीपत
जंक्शन के लिए। पानीपत जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 3:56 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:58 पर रवाना हो जाती है करनाल स्टेशन के लिए। करनाल स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:21 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:23 पर रवाना हो जाती है कुरुक्षेत्र जंक्शन के लिए। कुरुक्षेत्र जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 4:46 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:48 पर रवाना हो जाती है अम्बाला कैंटेनमेंट जंक्शन के लिए। अम्बाला छावनी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 5:43 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है। 12 मिनट के होल्ड के बाद 5:55 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 6:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। यह ट्रेन अजमेर से चंडीगढ़ तक तकरीबन 718 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।